तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक स्केड्यूल बनाते हो और आप डिसाइड करते हो कि मैं इसे कल से जरूर फॉलो करूंगा और लास्ट तक फॉलो करूंगा और डेली फॉलो करूंगा, अच्छे से फॉलो करूंगा, पर क्या होता है कि आप उस स्केड्यूल को एक दो दिन फॉलो करते हो, उसके बाद आप वापस अपने पुराने हैबिट में चले जाते हो। आपको वही लेजीनेस आने लगता है, आलस आने लगता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि चलो इसको बाद में कर लूँगा। आप कंसिस्टेंट हो करके 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हो, 1-2 घंटे पढ़ने के बाद इधर उधर के थॉट्स आने लगते हैं, आप लगातार लंबे टाइम तक सिटिंग नहीं दे पाते हो। तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने लेजीनेस को दूर कर सकते हो और आप कंसिस्टेंट होकर लगातार फोकस होकर स्टडी कर सकते हो। ये जो मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ वो खुद मैंने अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था और वो मुझे मेरे लिए एक मैजिक के जैसा काम किया था, और आपके लिए भी ये मैजिक के जैसा काम करेगा अगर आप इसे प्रॉपरली फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए, आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का ना उसका जड़ को जानना बहुत जरूरी है, उसका काउज को जानना बहुत जरूरी है कि कारण क्या होता है कि हम लेजी फील करते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हमें पता है कि ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फिर भी हम लेजीनेस के चंगुल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कारण होता है? तो इसका मेनली दो कारण होता है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से हटा सकते हो। तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो है कंफर्ट जोन। हमारा जो माइंड है वो कंफर्ट जोन में रहने के लिए प्रोग्राम्ड है, हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। ये लाखों साल के प्रोग्रामिंग के कारण हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो पूर्वज थे, जो कि आदि मानव थे, उनका क्या काम था? शिकार करना, और जब उनका पेट भर जाता था तो वो सेफ अपने गुफा में रहते थे या फिर जहाँ पे भी वहाँ पे घर था, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करते थे ताकि फिर से वो शिकार करके अपना पेट भर सके। तो वही प्रोग्रामिंग अभी भी हमारे माइंड में चलता आ रहा है कि अगर आपका पेट भरा हुआ है तो बस हमारा जो माइंड है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करना चाहता है। बट क्या होता है कि जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमारा माइंड में से भी हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदत, हमें कोई भी चीज़ है ना उसका तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत हमें उससे खुशी चाहिए, इसलिए हम वैसी चीज़ों को करना पसंद करते हैं जिससे हमें तुरंत रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हम मूवी देख लिए हमको इन्जॉयमेंट मिलता है, इंटरटेन होते हैं। ठीक है, दूसरा कॉमेडी देख लिए, हम हंस लिए, हमको अच्छा फील हो गया, दोस्तों से बात कर लिए, अच्छा फील होता है, और किसी से बात कर लिए, आप समझ रहे हो ना किससे बात करना, उनसे बात कर लिए, अच्छा फील हुआ, इधर उधर घूम लिए, और भी मतलब फास्ट फूड खा लिए, तुरंत हमको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भी हमें हैबिट बना हुआ है। पर पढ़ाई में क्या होता है, आप 2-4 घंटे आप पढ़ते रहते हो बट आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम्स मिलता है, आपको उसको सॉल्व करना होता है, उसका कुछ आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन टेंशन। तो क्या होता है कि वो स्टिमुलस हमें नहीं मिल पाता है जो हमें अदर चीज़ें रील्स देखने में, यूट्यूब वीडियो में देखने में, इधर उधर की चीज़ें देखने में जो हमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है वो पढ़ाई में नहीं मिलता है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो आपको इन दो कारण हैं उनको दूर करना होगा। तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ जो कि मैंने खुद अप्लाई किया था। ठीक है, और वन बाय वन दो रीज़न हैं, एक तो है कि कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना, और दूसरा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कैसे दूर करें। तो सबसे पहला मैं रहूँगा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर करें। जब तक हमारे माइंड को पता नहीं होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, उसको जब तक ये फोकस्ड नहीं रहेगा, उसके माइंड में फिक्स नहीं रहेगा वो चीज़ें, तब तक वो काम नहीं करना चाहेगा, उससे बचना चाहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने माइंड में एक इमेज बनाना है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनोगे, आपके मम्मी पापा प्राउड फील करेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपको सैलरी मिलेगी तो आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, वो सब चीज़ें आपके माइंड में जो इमेज है, वो जो रिजल्ट है आपके माइंड में एकदम अच्छे से
बैठा होना चाहिए, अच्छे से साफ एंड क्लियर होना चाहिए, तभी वो हार्ड वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं क्या करता था कि हर दिन विजुअलाइज़ करता था, हर दिन अपने रिजल्ट को विजुअलाइज़ करता था कि मेरा रिजल्ट निकल गया, मेरे मम्मी पापा काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, मेरी फर्स्ट सैलरी आई, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है। तो मैं ये सब चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सकता कि रिजल्ट निकलने के बाद मुझे क्या क्या कैसा फील होगा, मेरा लाइफ कैसा चेंज होगा। मैं हमेशा हर दिन विजुअलाइज़ करता था उससे। क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो इमेज मेरे दिमाग में स्टिक हो गया और क्लियर हो गया, और मेरे दिमाग को पता चल गया कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर क्या होता था, वो लेजीनेस फील नहीं करता था, आलसी फील नहीं करता था, उसको रिजल्ट पता था। और फिर साथ में मैं क्या करता था कि जब भी डीमोटिवेशन लेजीनेस होता था तो मैं अपने गोल्स को रिपीट करता था मन में। जैसे कि मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना था तो मैं बार बार बोलता था, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, आई विल वर्क हार्ड फॉर इट। मैं इसको बार बार रिपीट करता था तो मेरे माइंड में हमेशा वो गोल जाता रहता था, फीड होता रहता था कि ये तुम्हारा गोल है, तुमको ये करना है, इसके लिए मेहनत करना है। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स क्या होगा कि वो दिमाग में आपका गोल सेटल हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कारण है कि कंफर्ट जोन में रहना। कंफर्ट जोन में रहना मतलब कि आपको वो सब चीज़ें करना जो आप रेगुलरली करते हो, जैसे मूवी देखना, रील्स देखना, यूट्यूब पे कुछ इधर उधर की वीडियोस देखना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। तो जब भी ये चीज़ें होती थी तो मैं अपने आप को रियलाइज़ करता था, फियर फियर मैं सोचता था कि क्या होगा अगर तुम्हारा सिलेक्शन इस बार ना हुआ, ये सब चीज़ें करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन अगर इस बार नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या हो सकता है। अगर तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो वही सब फ्रस्ट्रेशन, वही सब परेशानियाँ, वही मेंटल प्रेशर, जॉब ना होने का प्रेशर, वही तुम्हारा लाइफ स्टाइल, जो फैमिली का कंडीशन है, सेम टू सेम रहेगा। तो मुझे फियर होता था कि अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे फिर से 1 साल मेहनत करना पड़ेगा, यही सब प्रेशर, वही सब मेंटल प्रेशर, वही सब चीज़ें फिर से झेलना पड़ेगा। तो मुझे जैसे ही मैं कुछ करता था, वैसे यूट्यूब वीडियो मैंने चालू किया कुछ देखना, 5 मिनट मुझे, मैं हमेशा याद, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना, ये करोगे तो तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, निकल कर पढ़ाई करना स्टार्ट करता था। जैसे ही मेरा फ्रेंड फ़ोन करता था, चलो मिलते हैं, तो मैं उसको मना कर देता था, नहीं भाई आज नहीं जा सकता, ये काम है, कुछ मैं बहाना बना देता था। जैसे ही रील देखने लगा, रील देखने में एक मान लो एक हैबिट हो जाती है रील देखने का, एक के बाद एक स्लाइड करते जाओ आधे घंटे 1 घंटे पता भी नहीं चलता। तो मैं जैसे ही कुछ रील्स होता था उसके बाद कॉन्शियस दिमाग से सोचता था, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट रुक जाएगा इस बार, फिर तुम्हारा 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। क्यों, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा ज्वाइनिंग 1 साल लेट होगा, 1 साल में तुम्हारा 10 लाख का नुकसान होने वाला है, समझो तुम 10 लाख में क्या क्या चीज़ें कर सकते थे। तो मैं एक फियर ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड भी मुझे मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए और मेरे लेजीनेस को कम करने के लिए। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, पहला कि अपने माइंड में एक क्लियर रिजल्ट का इमेज आपके माइंड में होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कौन से फीलिंग्स के लिए कर रहे हो, क्या चीज़ पाने के लिए कर रहे हो, और उसको बार बार देखना है, बार बार रिपीट करना है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेटल हो जाए। ठीक है, और दूसरा है कि फियर रखना, डर रखना है कि आप जो कर रहे हो कंफर्ट जोन वाली चीज़ें वो आपका सिलेक्शन रोक देगा और उसके कारण आपको क्या क्या नुकसान होने वाला, और ये दो चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। तो अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो करोगे तो मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि आपको कभी भी लेजीनेस नहीं आएगा। तो यही दो चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप एक एस्पिरेंट्स हो, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई फ्रेंड जो कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना। ठीक है, ताकि उसका भी हेल्प हो पाए। और साथ में आप एक मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन करना, उसमें सारे अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, सब मिलकर तैयारी करते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 1000 अचीवर्स उसका नाम है, 1000 अचीवर्स सर्च करोगे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम का जो आईडी है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
और साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। और अगर आप किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ सर, तो मैं उस टॉपिक को भी आप लिख सकते हो, मैं उस पे वीडियो बनाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग, और 2022 में करके दिखाना है।